सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के युग में व्यक्ति सब कुछ जानने के बाद भी क्या सत्य है क्या असत्य है। देखिए, संतों का जन्म, संतों का अवतार इसलिए होता है कि हम जैसे जन्म और मरण के चक्कर में भटके हुए जीव का कल्याण करने के लिए संतों का अवतार होता है। और संत सही दिशा हमें दर्शाते हैं, हम जैसे प्राणी को किस पथ में चलना है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है संतों ने बताया। अगर हम उस मार्ग में चलते हैं तो हमारा अवश्य कल्याण हो जाएगा। एक व्यक्ति का लक्ष्य केवल कमाना खाना, संसार के सुख संपत्ति प्राप्त करना ही नहीं होता। देखिए, यहाँ हम रहते हैं, संसार में रहते हैं, संसार में जीते हैं, संसारिक वस्तु से हमारा काम चलता है, ये करना भी, यहाँ के कार्य करना भी जरूरी है, ये हमारा कर्म है, हमें करना चाहिए। लेकिन यही सब कुछ है सोच करके निश्चिंत होना मूर्खता है। प्यार से बोलो, भगवान ने जितना सुंदर संसार बनाया है ना, ये सब आपके लिए है, ये सब हमारे लिए। बड़े बड़े बिल्डिंग बनता है, सुंदर गाड़ियां, संसार के जितने भी वस्तुएं, सब सब पर हमारा अधिकार है। कब तक? जब तक हम जीवित हैं। ये हमारे लिए जरूर है, लेकिन ये हमारा नहीं, हमारे लिए है। इसलिए इस चीज को समझ जाइए। अभी हमारे पास में समय है, अगर समय बीत जाए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गलती यहीं पर हो जाता है, संसार के सभी वस्तु को हम इस प्रकार अपना अधिकार मानते हैं, सब मेरा ही है सोचते हैं, लेकिन ये सब कुछ दिन के लिए ही हमारा। अभी हमारा जमाना है, बाद में किसी और का आएगा। यहाँ के कुछ भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहेगा। और इसलिए गीता जैसे शास्त्र, गीता जैसे ज्ञान भगवान ने उपदेश किया। गीता में बताया गया, अर्जुन को भगवान ने अपने ज्ञान जो है अर्जुन को प्रदान किया, विराट स्वरूप का दर्शन कराया। गीता उपदेश करके भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, तुम्हें मैं बताता हूं क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या पाप है, क्या अन्याय है क्या न्याय है, क्या सुख है और क्या दुख है। हर एक चीज बता दिया। अब करना अर्जुन का काम है, उसको अपने जीवन में धारण करना उसका काम है। इसी प्रकार यहां भी भागवत का ज्ञान आपको दिया जाता है, लेकिन उसको स्वीकारना आपका काम है। प्यार से बोलो, इसलिए इस तत्व को समझ के हमें कार्य करना चाहिए।